इस वीडियो के अंदर हम लोग नवंबर 2018 का एम जो भी इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं टी वाई बी कॉम इससे पहले हम लोग ने 2023 22 ऑलरेडी कर लिया है इसके अलावा 19 का भी कर लिया अभी हम लोग यहाँ पर 2018 का करने वाले मीन्स हम लोग फाइव ईयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपको हेल्प करने वाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना जैसे आपको अपडेट मिलते रहे और भी वीडियो के तो यहां पे देखते हैं स्टूडेंट नवंबर 2018 में क्या दिया हुआ है यहां पर लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द अनाउंस बोलता है लिबरलाइजेशन पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था तो 1991 में हुआ था ये आपको याद रहेगा बट उसके साथ में डेट भी याद रखना है जुलाई ट्वेंटी को नाइनटीन में लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अनाउंस किया गया था एक क्वेश्चन कॉमन सा है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर एजुकेशन रियल इस्टेट मैनुफैक्चरिंग तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उसके अंदर एजुकेशन आता है हॉस्पिटल आता है ये सब आइटम आते हैं डैश इज द रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन बोलता इसमें से क्या गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड क्या है तो इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड स्लोगन आप लोगों ने भी सुना होगा इसको लिखा है यहां पर फॉर्मर नीड शॉर्ट टर्म लोन फॉर बोलता है फॉर्मर को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए किसके लिए परचेस ऑफ सीड्स फसल के बीज खरीदने के लिए या परचेस ऑफ इनपुट के लिए या टू मीट कंजप्शन नीड के लिए तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दी सबके लिए चाहिए रहता है ठीक है हम लोग को परचेस ऑफ सीट के लिए भी चाहिए परचेस ऑफ इनपुट के लिए टू मीट ऑफ कंजप्शन नीट के लिए भी चाहिए नेक्स्ट यहां पर लिखा है डैश इज द अपेक्स बॉडी ऑफ रूरल क्रेडिट रूरल क्रेडिट का अपेक्स बॉडी क्या है नाबार्ड है क्या है नाबार्ड में नाबार्ड को हम लोग बोलते हैं अपेक्स बॉडी है रूरल क्रेडिट के लिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फॉर्मर आर नॉट एबल टू रियलाइज बेटर प्राइस बिकॉज ऑफ बोलता है फॉर्मर को अच्छा प्राइस नहीं मिलता है बेटर प्राइस बिकॉज क्योंकि लैक ऑफ़ ग्रेडिंग होता है लैक ऑफ मार्केट नॉलेज नहीं रहता है उनको लैक ऑफ़ स्टोरेज फैसिलिटी तो सब के सब रेट है फार्मर को अच्छी प्राइस इसलिए नहीं मिलती है को अपने प्रोडक्ट का ग्रेडिंग भी प्रॉपर नहीं करता है नॉलेज भी प्रॉपर नहीं रहता है लैक ऑफ़ स्टोरेज रहता है ये सब इशू रहते हैं नेक्स्ट आप लिखा है डिस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू डिस इन्वेस्टमेंट मीनस क्या होता है सेल्स ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप परचेस ऑफ शेयर्स तो इसका राइट right ऑप्शन है सेल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप जब गवर्नमेंट ओनरशिप अपना बेचती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल इज है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल इज है क्या है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल क्या है सब्जेक्ट मैटर है सेंट्रल सब्जेक्ट है या कॉन्क्रेंट सब्जेक्ट है नॉन ऑफ दी अबव इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है कॉन्क्रेंट सब्जेक्ट के अंदर आता है किसके अंदर आता है स्टूडेंट कॉन्क्रेंट सब्जेक्ट के अंदर आता है नेक्स्ट डैश द सेक्टर आर आइडेंटिफाई फॉर द प्रमोशन बोलता है डैश सेक्टर्स आर आइडेंटिफाई फॉर प्रमोशन तो टूरिज्म मेडिकल या बोथ तो डैश सेक्टर आइडेंटिफाई करते प्रमोशन के लिए तो इसके अंदर दोनों आ जाएगा टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेड नरसिम्हम कमेटी को किसने रिकमेंड किया था इंट्रो किसके लिए रिकमेंड किया गया था तो क्या सॉरी नरसिम्हम कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंसोलिडेशन ऑफ बैंक लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑल ऑफ तो क्या राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ राइट रहेगा इंडियन मनी मार्केट रेगुलेटेड तो ये आपको पता है कि इंडियन मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है आरबीआई करती है नेक्स्ट यहां पर इक्विटी मार्केट इज एसोसिएटेड विथ बोलता है इक्विटी मार्केट किसके एसोसिएटेड है तो इक्विटी मार्केट क्या है एसोसिएटेड विथ किससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से प्राइवेट सेक्टर से इशू ऑफ फ्रेश कैपिटल सेल ऑफ ओल्ड शेयर्स तो इक्विटी मार्केट किससे रहता है ऑल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी यहाँ पर खरीदा बेचा जाता है प्राइवेट सिक्योरिटी भी है इशू ऑफ़ फ्रेश कैपिटल है सेल ऑफ़ ओल्ड शेयर है ऑल ऑफ द अबव तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी एम आपको चार से पाँच साल के पेपर में पूछे गए थे इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रू फॉल्स करेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कर कर रखना इस पी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके कर कर रखना स्टूडेंट जिसके अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा थैंक यू सो मच